हेलो और स्वागत है। आज की स्पाइस बॉक्स में मैं दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं टमेटो और कॉर्न रिसोटो। रिसोटो एक उत्तरी इटालियन व्यंजन जिसमें ब्रॉथ को पकाते हैं क्रीमी कंसिस्टेंसी तक। ब्रॉथ बन सकता है मच्छी, मांस और सब्जियों का, पर आज हम बनाएंगे पूरी तरीके से शाकाहारी। आइए शुरू करते हैं। जो सामग्री हमें चाहिए वो है 2 कप पानी, 2 कप दूध, 1 कप भिगोए हुए चावल, 1/2 कप प्याज, 1/2 कप टमाटर, 1 कप मकाई के दाने, 2 चम्मच मक्खन, 1/2 कप भर के कसा हुआ प्रोसेस चीज, चुटकी भर नमक, चुटकी भर काली मिर्च, 1 चम्मच विनेगर, 3 लहसुन की कलियां कटी हुई। मैं शुरू करूंगी उबालने से पानी और दूध साथ में। आइए इसे उबालते हैं। उबलने वाला है, तब तक के हम गरम कर लेंगे मक्खन को। आइए डालते हैं प्याज इसमें। जब तक के प्याज हो जाए सुनहरे, प्याज हो गए हैं सुनहरे, डालूंगी इसमें लहसुन। अब भून लूंगी इससे थोड़ी देर। ताकि प्याज में भी लहसुन की फ्लेवर आ जाए। डालेंगे भिगोए हुए चावल। भून लेंगे इसे 2 मिनट के लिए। और डालेंगे इसमें विनेगर। दूध अब उबल चुका है, पानी और दूध। आइए इसमें डालते हैं इसे। आइए उबालते हैं चावल को अगले 15 मिनटों के लिए। मैंने उबाल लिए हैं चावल 15 मिनटों के लिए। अब डालेंगे मकाई के दाने। और टमाटर। इसे उबालेंगे अगले 20 मिनटों के लिए। मकाई के दाने और टमाटर भी पक जाएं। चावल और सब्जियां पक चुकी हैं। मैं डालूंगी इसमें कसा हुआ चीज ऊपर से। थोड़ा सा नमक। काली मिर्च। अच्छे से मिला लेंगे इसे। टमेटो कॉर्न रिसोटो तैयार है सर्व करने के लिए।
आप इसे सर्व कर सकते हैं गार्लिक ब्रेड के साथ। और मैं आपको सूचन करूंगी कि इसे रात के खाने में ना खाएं, क्योंकि ये एक हैवी डिश है। आप इसे खा सकते हैं रविवार को दोपहर में, क्योंकि इसके बाद आप जरूर सो जाएंगे। तो आप इसे जरूर बनाएं।